तो दोस्तों आज हो गई है 4 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे ये तमाम बेहद बड़ी खबरें, आगे इसी वीडियो में जानेंगे, हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की धमकी, कहा हमारी मंडियों में बाहर वाले आए तो भेजूंगा जेल। पीएम मोदी कहते हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है अनाज। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने तय किया है कि जितनी पैदावार किसान की यहां होगी उतनी खरीद ली जाएगी, लेकिन अगर बाहर से कोई आया अगल बगल के राज्यों से बेचने या बेचने का प्रयास भी किया तो उसका ट्रक राजसात करवा करके उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। ये यहां पर कहना है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है अपना अनाज। तो वहीं पीएम मोदी का कहना है कि किसानों को पूरा अधिकार मिल गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज कहते हैं कि किसान मेरे राज्य में बाहर से आकर के कोई भी अनाज नहीं बेच सकता है। और यहां पर सीएम शिवराज ने दी है किसानों को खुली धमकी। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन। हरियाणा में बीजेपी सरकार खतरे में, दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफे की दी है धमकी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से राज्य की खट्टर सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के इस्तीफे के बाद खाप पंचायतों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई खाप पंचायतों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि राज्य में मौजूद निर्दलीय विधायकों पर यह दबाव बनाया जाएगा कि वह खट्टर सरकार को दिया गया अपना समर्थन तुरंत वापस ले, नहीं तो उनकी गांवों में एंट्री बंद कर दी जाएगी, यानी कि बैन कर दी जाएगी एंट्री गांवों में। बीते हफ्ते पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खट्टर सरकार के द्वारा किसानों पर जिस तरह की क्रूर कार्रवाई की गई थी उसके चलते हरियाणा के किसानों और खाप पंचायतों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। किसानों के समर्थन में भारी तादाद में लोग खट्टर सरकार के विरोध में उतर आए हैं। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी चेतावनी दे डाली है कि अगर किसानों के एमएसपी पर आंच आई तो वह अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। जेजेपी ने मोदी सरकार से आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या का हल जल्द से जल्द निकालने की बात कही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार पर मंडराने लगे हैं संकट के बादल। जेजेपी ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा को दे दिया है अल्टीमेटम। दोस्तों अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि जेजेपी तुरंत बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले ले तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। किसानों ने बेशर्म सरकार के खिलाफ दिखाई है खुददारी, नहीं खाया सरकारी खाना, बोले हम अपना खाना खुद लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीते कई दिनों से हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन दिन रात लगातार चल रहा है। इस प्रदर्शन में युवाओं और बुजुर्ग किसानों का जो जज्बा दिखा है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि किसान प्रधानमंत्री मोदी के सिंहासन की नींव हिला ही देंगे। बीते दिनों में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भाजपा सरकार के हर जुल्म को बर्दाश्त करते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए डटे रहने का हौसला दिखाया है। किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी है कि जब तक तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और 5 दिसंबर को बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच विज्ञान भवन में एक बैठक हुई जिसमें किसान संगठनों ने मोदी सरकार के समक्ष तीनों ही विवादित कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि इस बैठक में कुछ 12 बजे के करीब जब ब्रेक लिया गया तो वहां पर स्थिति काफी असमंजस भरी बन गई। दरअसल किसानों ने सरकार की तरफ से किए गए खाने के इंतजाम का बायकॉट किया है। सरकार के द्वारा किसानों के लिए जिस खाने का इंतजाम किया गया था किसानों ने उसे खाने से साफ इनकार कर दिया।
तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार के खाने का बायकॉट कर किसानों ने ये तो साबित कर दिया है कि वे मोदी सरकार के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार को ममता बनर्जी की बड़ी चेतावनी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि किसान विरोधी नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत ही चिंतित हूँ। भारत सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने चाहिए तुरंत। यदि वह तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत से ही हम इन किसान विरोधी विधायकों का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस जन विरोधी कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार हर चीज को बेच रही है। आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, BSNL, भेल, बैंक, रक्षा इत्यादि को नहीं बेच सकते हैं। गलत नियत से लाई गई विनिवेश और निजीकरण की नीति वापस लीजिए। हम अपने राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर। यह यहां पर कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। पंजाबी एक्टर के ट्वीट पर बोले लोग, कहा मुसलमानों के बाद अब सिखों को भी कहना पड़ रहा है कि हम आतंकी नहीं हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के अन्नदाता सड़कों पर उतर करके लगातार विवादित तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन तीन विवादित कृषि कानूनों को पास किया गया है उन्हें मोदी सरकार ने बिना किसानों से चर्चा किए हुए पास कर दिया। अब किसान इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह मोदी सरकार की किरकिरी होने के बाद बीजेपी की नेता गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल बचाव में आ गया है। सरकार के बचाव में बीजेपी के नेता और मीडिया इतना नीचे गिर गई है कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी तक बता दिया है। बीजेपी के कई प्लेटफॉर्म से और मीडिया में किसानों को खालिस्तानी, आतंकी बोला जा रहा है, मगर किसान चुपचाप अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक किसान के बेटे सुखबीर सिंह की शहादत सीमा पर हो गई, जो कि भारतीय सेना में थे, लेकिन फिर भी किसानों को आतंकी बोला जा रहा है। गोदी मीडिया और बीजेपी नेताओं की तरफ से इस खबर को शेयर करते हुए मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट कर लिखा है कि एक किसान के बेटे सुखबीर सिंह की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते समय शहादत हो गई। हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं। और इस ट्वीट के बाद कई लोगों की यहां पर प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने कहा है कि मुसलमानों के बाद अब सिखों को भी कहना पड़ रहा है कि हम आतंकी नहीं हैं, और जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को लोगों ने किया है सोशल मीडिया पर ट्रोल। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा दावा, कहा मोदी राज में भुखमरी, अकाल की राह पर है भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े नेता किसानों के लिए आगे निकल के आए हैं। इस नेता का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और मोदी सरकार के कटु आलोचक भी हैं। कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने किसान आंदोलन के बीच एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत भुखमरी और अकाल की राह पर चल पड़ा है। ये यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर अमित शाह से मिले सीएम अमरिंदर सिंह, कहा जल्द मुद्दा सुलझाया जाए नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन की तेजी पकड़ने के साथ ही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ने तुरंत इस आंदोलन को समाप्त कराने की कोशिश नहीं की तो यह आंदोलन उन हाथों में पहुंच जाएगा जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसा यहां पर कहना है सीएम अमरिंदर का। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात में खुफिया एजेंसियों की वह जानकारी साझा की है जिसमें साफ संकेत दिए गए हैं कि खालिस्तान समर्थकों का एक बड़ा वर्ग इस आंदोलन पर निगाह लगाए बैठा है और
मौका पड़ते ही वह आंदोलनकारियों के बीच घुसकर अपने इरादों को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को इस विवादित कृषि कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, ये यहाँ पर कहना है सीएम अमरिंदर का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है UNDVTV पर। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों